लोगों के शर से दुश्मनी से महफूज रखेंगे। अल्लाह क्या मेरे अमल को महफूज रखेगा? खुदा कहता है तेरे अमल को भी महफूज रखूंगा, तेरी सूरत को भी महफूज रखूंगा। अल्लाह अपने नबी के अमल तो महफूज रखे हैं, सूरत कैसे महफूज रखी है? तो गोया खुदा ने नबी के नक्शे को हसन और हुसैन में रखा। और ये हसन और हुसैन में नक्शा रखा। और सहाबा फरमाते हैं नबी के जाहिर मिसाल के बाद हम जब भी अपने नबी के चेहरे अनवर देखना होता या हसन के दरवाजे जाते हैं या हुसैन के दरवाजे। अच्छा आगे फिर क्या हुआ? तारीख सीरत मुर्रही ने लिखा कि फिर यही सूरत मुस्तफा चलती हुई हजरत अली अकबर में आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हजरत इमाम मुसन्ना में आई, और हजरत इमाम हसन मुसन्ना से आपके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इमाम बाकर में आई, और इमाम बाकर से इमाम जाफर सादिक में आई, इमाम जाफर सादिक से ये सिलसिला चलते 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 एक जमाना ये आया, लोगों ने आपके मेरे नबी का इल्म, आपके मेरे नबी का हिल्म, आपके मेरे नबी की आजजी, आपके मेरे नबी की तवाज़ो, आपके मेरे नबी की सखावत, आपके मेरे नबी की फैयाजी, आपके मेरे नबी का इल्म, आपके मेरे नबी की रहमत और ताकत का एक ऐसा मंबा और एक ऐसी सूरत यकजा जमा। और ये जामे शख्सियत जिसको देखा जमाने ने कहा ये जमाने का अब्दुल नादिर है, मौसे संतानी है, हजरत सैयद पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी कुतुबे रबानी को लिखा। तो लोग कहने लगे इनको देखते हैं सूरत हसन नजर आती है, मिजाज हुसैन नजर आता है, एक जात में नक्शा मुस्तफा भी है, इल्म मुस्तफा भी है। जब ये हुआ औलाद को भी आपके खून को भी महफूज रखा, आपके अमल को भी महफूज रखा, आपकी सूरत को भी महफूज रखा। हजूर गौसे पाक से आगे चलता हुआ सिलसिला हजरत पीर सैयद मेहर